मेरठ में बागपत बाईपास क्रॉसिंग स्थित मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में व्यापार में अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता पर बिजनेस स्कूल में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि AKTU लखनऊ से एसोसिएट डीन डॉक्टर पवन कुमार तिवारी, DRDO के साइंटिस्ट डॉक्टर VK पांचाल, मुख्य अतिथि प्रधान निदेशक MSME मेरठ के सुनील गुप्ता, लाइफ वे टेक इंडिया के निदेशक सुनील कुमार, MITT के चेयरमैन विष्णु शरण, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर S रामचंद्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यहाँ पे क्या मोटो, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि आज की डेट में अगर आप सिचुएशन देखें, मार्केट की सिचुएशन, बिजनेस की सिचुएशन आज की डेट में बहुत वॉलेटाइल हो गई है, बहुत सी चीज़ें एम्बिग्विटी आ गई हैं। अगर आप इस बार ही दिवाली में देखें तो दिवाली पे जितना फैनफेयर से कम सेलिंग होती थी उतनी सेलिंग नहीं हुई है। बहुत सारी सेलिंग जो हो गई है वो ऑनलाइन चली गई है, डिजिटल पे चली गई है। अमेजोन फ्लिपकार्ट ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया लेकिन जो आमतौर पे हमारे जो नॉर्मल रिटेलर थे, नॉर्मल मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने बड़ी दिक्कतें फेस की। तो आज की डेट में सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल हो गई है, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है बिज़नेस किस तरह से जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यही हाल है, पिछले साल बहुत बढ़िया था, इस साल बहुत डाउन टर्न है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया बिज़नेस आ गया है। तो बिज़नेस का आज की डेट में जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, बिज़नेस का लाइफ स्पैन छोटा होता जा रहा है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है, कंज्यूमर जो है वो बहुत सजग होता जा रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है उसे पता है क्या हो रहा है, ऑनलाइन होने से क्या होता है वो जाता है रिटेल शॉप में देखता है और आके ऑनलाइन ऑर्डर करता है। तो कंज्यूमर भी आज की डेट में बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो गया है। आप उसको जब तक उसको वैल्यू नहीं देंगे तब तक कंज्यूमर सामान नहीं खरीदेगा, और कंज्यूमर तब भी सामान खरीदेगा जब उसे ज़रूरत होगी, जब उसके पास पैसा होगा, बहुत सी चीज़ें ये गवर्न करेंगे। ऐसे केस में ये हम लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है कि इस पर हम लोग डिस्कस करें। हम आने वाले जो मैनेजर्स हैं और एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हम लोग डिलिब्रेट करें, डिस्कस करें, सिचुएशन पे करें, और साथ ही साथ में हम जो आगे आने वाले मैनेजर्स हैं, जो ये बच्चे हमारे जो आगे फ्यूचर में मैनेज करेंगे, उनको इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आगे मार्केट में क्या हो रहा है, और उसके लिए उनको प्रिपेयर होना है। अब वो पुरानी पद्धति पे नहीं चल सकते, उनको अपने अपने हो सकता है बहुत सी नई चीज़ें डिस्कवर करनी पड़े, इन्वेंट करनी पड़े, तो उस हिसाब से उनको अपने आप को एक सजग रखना पड़ेगा।